भोजपुरी मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, बगल लिए मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं यही अपना जान दे के जाऊंगी। समाज सिंह संजय सिंह के ऊपर मैं अपना जान दे के जाऊंगी। राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाना लग जाए, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाए। जी हाँ, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव भी हुई और रो रही थी, जिस पर प्रशंसकों ने सवाल भी पूछे थे। एक प्रशंसक ने रोने का वीडियो क्लिप बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सुसाइड केस में एक अहम मोड़ आया है। आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं मामा, मौसी और नाना पर आरोप है कि उनकी बेटी को भोजपुरी सिंगर समर सिंह धमकाता था। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा जो सहारा था ये लोग ने छीन लिया। आपसे वो पिछले 3 साल से उसे टॉर्चर भी कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने आकांक्षा के 5 करोड़ रुपए भी लिए हुए थे। जब वो अपने पैसे मांगती थी तो उसे मार डालने की धमकी देता था। बहुत बड़ी साजिश की गई है इसमें, समर सिंह संजय सिंह ने मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए, बिना इंसाफ दे दिया है। बिना इंसाफ लिए मैं नहीं जाऊंगी, या तो मैं यहीं पे अपना जान दे के जाऊंगी। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा जो सहारा था ये लोग ने छीन लिया। आपसे आकांक्षा मूल रूप से भदोही के चौरी बाजार क्षेत्र के बदराहा गाँव की रहने वाली थी। उनका ननिहाल मिर्जापुर के विंध्याचल में है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि आकांक्षा एक भोजपुरी गायक के करीब थी। पुलिस के मुताबिक आकांक्षा एक भोजपुरी गायक के साथ वाराणसी के टकटकपुर क्षेत्र में लिविंग रिलेशन में रह रही थी। गायक के दुर्व्यवहार से वो दुखी रहती थी। बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां ने सारनाथ थाने पहुंचकर भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। प्रकरण है आत्महत्या का, प्रथम दृष्टया है, और इसमें इनकी माता जी हैं श्रीमती मधु दुबे, उन्होंने तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सारनाथ पर। मुकदमा अपराध संख्या 131/23 306 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें समर सिंह और संजय सिंह दो अभियुक्त उन्होंने बताए हैं, जो नामजद अभियुक्त हैं। अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभी पूछताछ चल रही है, और सबसे पहले इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ चल रही है, जो भी चीज़ें पूछताछ से सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है समर सिंह के उस बंगले या उस आवास पे पुलिस गई भी थी, लेकिन वो मिला नहीं, इनकी भी अरेस्टिंग की कोशिश हो रही है क्या? ऐसा कुछ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है कि वहाँ पर कोई गया था। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश में प्रतिबंधित हो चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट कर आकांक्षा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। प्रशंसकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती चली गई, इसलिए आकांक्षा ने लगभग 17 वर्ष की उम्र में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। उन्होंने भोजपुरी म्यूजिक एल्बम के साथ ही फिल्मों में लीड रोल निभाया और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। पुलिस को पूछताछ के लिए गायक की तलाश है। हालांकि गायक के दुर्व्यवहार का आकांक्षा के काम पर कोई असर नहीं पड़ा था, वो भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के क्षेत्र में लगातार सक्रिय थी। पंजाब की केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।